वेलकम फ्रेंड्स, और आप लोग देख रहे हैं शुभम टेक एमएसडी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग एसबीआई अकाउंट आपके पास है और इस एसबीआई अकाउंट को आप लोग क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ये जो फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डेट डाल देंगे जिस डेट पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लोज इनिशिएट बाय ब्रांच ऑफिस डीपी सीडीएसएल, तो यहाँ पे आपको ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग ब्रांच ऑफिस में जाके आपका जो खाता है इस जगह खोले थे, तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस लिखना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर डिटेल्स, तो यहाँ पे नेम की जगह पे आपका जो नाम है फुल नाम यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपका जो एसबीआई अकाउंट ज्वाइंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो सेकंड होल्डर का नाम यहाँ पे और यहाँ पे सिग्नेचर डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे वाले यहाँ पे आ जाना होगा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे अगर विलेज में रहता है तो आप विल प्लस पोस्ट करके आप लोग पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो विलेज है, पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। अगर आप लोग सिटी में रह रहे हैं तो सिटी को आपको फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे करके। उसके बाद पूरा सिलेक्ट करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आप लोग आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप लोग इस जगह पे आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिटी है, सिटी का नाम यहाँ पे डालना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्टेट है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पोस्टल कोड है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीजन फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है आप किस कारण के वजह से यहाँ पे अकाउंट आप लोग बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रीजन यहाँ पे डालना है, बट यहाँ पे मैं रीजन देता हूँ, आई हैव डिफरेंट बैंक अकाउंट। आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आई हैव डिफरेंट बैंक अकाउंट, मेरा दूसरा एक अकाउंट है इसलिए इसको बंद करना चाहता हूँ, ऐसा मैं यहाँ पे रिकमेंड किया हूँ। तो आपके हिसाब से यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस रिमाइनिंग इन द अकाउंट टू बी, अगर आपका बैलेंस यहाँ पे कितना है यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग एसबीआई का अकाउंट खूब पूरा बंद करना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका जो बैंक में पूरा जो बैलेंस है उसको आप विड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी पार्ट को आपको कोई भी फिल नहीं करना है, ये आपको छोड़ देना है। जस्ट यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिग्नेचर वेरीफाइड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड बैंक ऑफिशियल, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे दिखा रहा है सिग्नेचर ऑफ द वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड दैट ऑल ड्यूज हैव बीन रिकवर्ड, ठीक है। ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो ब्रांच नेम है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और ब्रांच कोड आपको एसबीआई जो बैंक का खाता है वो बुक के अंदर ही ब्रांच कोड लिखा आएंगे, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एप्लीकेशन नंबर, नेम, करस्पॉन्डेंट, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है, वो लोग बैंक वाले यहाँ पे फिल कर देंगे। आपको जो पूरा यहाँ पे आपको फिल करना है, और यहाँ पे ई डी पी और सी डी एस एल इनिशियलाइज्ड अकाउंट क्लोजर सिग्नेचर ऑफ द होल्ड अकाउंट होल्डर नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो अकाउंट आपका यहाँ पे सिग्नेचर आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप लोग फॉर्म को जमा करने जाते हैं तो जिस स्पेसिफिक जगह में आपको कुछ भी करना पड़े तो आपका बैंक मैनेजर आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है। तो आपको जिस तरह से ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, जस्ट बैंक में जाना है। इसके रिगार्डिंग आपके साथ जो आधार कार्ड, बैंक पैन कार्ड, इसका आपको सॉफ्ट कॉपी दे देना है, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो को पसंद आया, और वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।